अस्सलाम वालेकुम, मैं जुलेखा अरफात, जुलेखा किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? आज यहाँ मैं बना रही हूँ बहुत ही बढ़िया सिंपल सी आसान सी चिकन की करी। मैं तो इसे चिकन का सालन बोलती हूँ, आलू दाल के। हम तो बटाटा बोलते हैं, हमारे मुंबई में आलू कहते हैं। तो आलू दाल के बढ़िया सा क्विक और इजी वाली रेसिपी बता रही हूँ, जो आप अगर बिगिनर हो या फिर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छी रेसिपीज हमें बहुत अच्छे से आती है लेकिन सिंपल रेसिपीज भी कभी कभी हमें एकदम स्ट्रगल हो जाता है, तो उसके लिए आज ये बढ़िया सी रेसिपी मेरे साथ चलिए और देखिए। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 1 किलो तक की चिकन ली है, चर्बी निकाल ली, 2-3 पानी से धो लिया, आप देख सकते हैं। और अब मैं ये छुरी की मदद से ना चिकन में इस तरीके से ये कर रही हूँ, स्लिट्स मार रही हूँ। अच्छा, ये मैं इसके लिए कर रही हूँ, मुर्गी का सालन है तब भी मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो भी अभी मैं मैरिनेट करूंगी ना वो अंदर तक लगेगा तो और ज्यादा टेस्ट आएगा, नहीं तो एकदम ब्लैंक लगती है। चिकन के सालन में भी चिकन थोड़ी सी मजेदार सी चटपटी सी लगे तो मजा आएगा ना। अच्छा, ये मैंने पूरा कर लिया, अब इसके अंदर डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ सबसे पहले तो चिकन, नमक, चिकन में नमक स्वाद अनुसार, और एक छोटा चाय का चम्मच, 1 से 1.5 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है 1 टेबलस्पून जितना नींबू का रस, कम या ज्यादा आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, और लाल मिर्ची का पाउडर। वैसे ये कश्मीरी है, ज्यादा स्पाइसी नहीं है तो मैं 1 छोटा चाय का चम्मच डाल रही हूँ, आपका ज्यादा स्पाइसी हो तो आप कम डालिएगा। अब ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ढक कर आप चाहे तो फ्रिज के अंदर या आप चाहे तो बाहर रख सकते हैं, बेटर है गर्मी का समय है तो आप फ्रिज में ही रखिए। तो चलिए, ये मैंने रख दिया, मेरे पास समय है 1.5-1.5 घंटे के लिए, मैं इसे रख रही हूँ। आपके पास 1 घंटा भी हो तो आप रख सकते हैं इसे 1 घंटे के लिए। तो मैंने वहां चिकन को मैरिनेट करने रख दिया और अभी तैयारी में यहाँ शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 3, आप देख सकते हैं मीडियम से थोड़े छोटे हैं हल्के, तो मैंने 3 लिया, आपके थोड़े बड़े हो तो 2 ही लीजिएगा। छिलटे निकाल लीजिए और इसे बारीक काट लीजिए टमाटर को। तो क्या इसमें गलने में वो बहुत आसानी रहेगी, और छिलटे जो आप जब ग्रेवी या सालन को जैसे बनाते हो शोरबा तो उसमें नहीं तो छिलटे ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं तो वो मजेदार नहीं लगते हैं खाने में, मुंह में आते हैं। सो यहां मैं क्विकली टमाटर को छील लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली है, ये आप देख सकते हैं, और इसे मैं छील निकाल ली हूँ। और यहाँ मैं तो इसे कटर से कर रही हूँ और आप चाहें तो हाथ से भी काट सकते हैं, तो क्विकली ये क्या फटाफट जल्दी हो जाती है तो मैं कभी कभी इससे भी कर लिया करती हूँ, डिपेंड्स, कभी हाथ से करती हूँ कभी इससे करती हूँ, जैसा मेरा मूड जैसा मौका। चलिए, प्याज हो चुकी है और अब मैं आलू को छील लेती हूँ। कि मैं मेरे हिसाब से 4 पीस कर रही हूँ, आपके जितने बड़े आलू हो उस हिसाब से कीजिएगा। मजेदार सा आलू वाला सालन बन रहा है तो मजा आएगा खाने में। आप भी जब बनाओगे तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा आपको कैसा लगा ये मेरे अंदाज में, क्योंकि मैं तो तकरीबन 15-20 साल से ऐसे ही बना रही हूँ। चलिए, हो गया। चलिए, तो अब मैं जा रही हूँ किचन में आगे का प्रोसीड करने, सालन बनाते हैं। चलिए, अब क्विकली ग्रेवी बना लेते हैं। एक कढ़ाई को गर्म कीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल डालिए। तेल जब गर्म हो जाए तो डाल दीजिए 2 तेजपत्ता, 1 दालचीनी की डंडी, 1/4 टीस्पून जीरा, और 4-5 लौंग, और 8-10 काली मिर्ची, और ये डालकर इन्हें फास्ट आंच पर तरतरा जाने दीजिए गरम मसालों को। जब तरतरा जाए तो इसमें डाल दीजिए जो हमने प्याज काट कर रखी है 2 लंबी स्लाइस करी हुई, वो डालकर उन्हें भी फ्राई करें। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, तब तक।
चलिए जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाती है, डार्क मत कीजिएगा ज्यादा। आप देख सकते हैं कितनी मैंने लाइट रखी है, उतनी लाइट कीजिए। और एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और उसे भी भूनिए, अदरक लहसुन के पेस्ट को समझिए ना। आधा मिनट भूनने के बाद जो हमने टमाटर काट के रखे दो मीडियम साइज के बिना छिलटे वाले, उसे भी डालकर मिक्स कीजिए। चूल्हा कर दीजिए मीडियम आंच और इसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ क्योंकि मेरा ये है ना स्टील की पतीली है तो हल्की चिटकने हो जाती है, बट आपकी अगर स्टील की ना हो और नॉन स्टिक हो तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डाल दीजिए नमक स्लाइट थोड़ा सा और 1/4 टीस्पून जितना हल्दी, ये डालकर मिक्स कर लीजिए और इसे ढक कर स्लो आँच पर 3-4 मिनट के लिए पकने दीजिए। तब तक पकाए जब तक ये जो टमाटर है हल्के सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक। 3 मिनट हो चुके हैं, टमाटर नम हो चुके हैं। अगर ज़रूरत लगे तो मेरी तरह स्पैचुला या चम्मच की मदद से आप मैश कर दीजिए। अच्छा, अब डाल दीजिए 3 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चाय का चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे आप कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी हो तो कम डालिएगा। अब 1/2 छोटा चाय का चम्मच भुना हुआ और पीसा हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए और 1/2 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। मैंने चूल्हा मीडियम पर किया था, हल्का सा मैं पानी डाल रही हूँ क्योंकि ना मेरा नॉनस्टिक नहीं है। अगर आपकी नॉनस्टिक पैन हो तो आप पानी मत डालिएगा। अब जो चिकन साइड पर मैरिनेट करने रखी थी वो डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैं हल्का सा फिर से वो जिसमें मैरिनेट किया हुआ है पैन पतीली उसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी। फिर से वो पानी को चलाकर मैं ये चिकन में डाल देती हूँ। वो इसके लिए क्योंकि जो भी मसाला यहाँ वहाँ लगा हुआ है ये बर्तन के अंदर वो सारा हमें मिल जाएगा, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए ना। तकरीबन मैंने 1/4 कप पानी डाला था, ये देखिए पानी डाल दिया माशाल्लाह। और अब इसके अंदर इसको मिक्स कर लीजिए और उसके बाद जो हमने आलू साइड पर रखे हैं ना वो भी डालकर उसे भी मिक्स कर लीजिए। और चूल्हा आप मीडियम पर ही रखिए और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। एक हल्का सा उबाल आ जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढक कर तकरीबन 12-13 मिनट तक पकने रहने दीजिए। चलिए 13 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल भी चिटकता नहीं है। और बीच में चाहे तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, हाँ इसका खुद का पानी छूटता है। तो अगर आपकी नॉनस्टिक हो तो बीच में पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं, जो हमने पहले डाला था पानी वो भी डालने की ज़रूरत नहीं है इसे जब आप बंद करके रखते हो तो। चूल्हा कर दीजिए अब फास्ट आंच। अब यहाँ मैं 1 कप पानी डाल देती हूँ, आप चाहे तो 1.5 कप भी डाल सकते हैं, आपको कितना शोरबा चाहिए। मुझे थोड़ा सा गाढ़ा टाइप थिक टाइप चाहिए तो मैंने 1 कप डाला है, आप 1.5 भी डाल सकते हो। अच्छा, अब इसमें फास्ट आँच पर एक उबाल आ जाने दीजिए, चख लीजिए। अगर आपको नमक कम लगे तो नमक डाल दीजिए। नमक इतना एंड में इसके लिए डाल रही हूँ क्योंकि आप है ना नमक पर ज़रा देखिएगा, हमने चिकन में भी डाला था और स्टार्ट में भी थोड़ा डाला है। नमक डालकर एडजस्ट करने के बाद उबाल आ जाता है, चूल्हा स्लो कर ढक कर तकरीबन 5-6 मिनट पकने दीजिए या तब तक पकाएं जब तक चिकन और आलू नहीं हो जाते तब तक। 5-6 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लीजिए, ये देखिए तेल हल्का सा ऊपर आ चुका है। दोनों को चेक कर लीजिए कि गल गए हैं कि नहीं। मुझे शोरबा एकदम मेरे लिए परफेक्ट है, आपको कम लग रहा है तो आप अभी भी थोड़ा सा पानी गर्म करके डाल सकते हैं। एक उबाल करके इसमें डाल दीजिए और इसमें थोड़ी देर ढक कर इसे 3-4 मिनट पकने रहने दीजिए। चलिए अब मेरी चिकन भी हो चुकी है, आलू भी हो चुके, मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। आप चाहें तो कोथमीर डाल सकते हैं, मैं अभी नहीं डाल रही, मैं बाद में डालूंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने कचुंबर बनाया है, जो सालन है चिकन का उसके साथ कचुंबर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने हाथ से ही प्याज काटी है 2 और कोथमीर डाली है और हरी मिर्ची डाली है। ज्यादा कुछ इसमें मगजमारी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर सर्व कीजिए। चलिए, मैं गरम पे रखी थी और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। नमाज के बाद अब खाना सर्व कर रही हूँ, गर्मा गर्म इसे निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज्यादा तरी नहीं क्योंकि उतने हिसाब से मैंने तेल डाला नहीं है। थोड़ी सी कोथमीर डाल दीजिए, बढ़िया सी। तो ये बन गया मेरा चिकन का सालन। आई होप आपको अच्छा लगे और अगर आप रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा।
चलिए आप सब आइए मेरे साथ खाने के लिए। वैसे मैं ये चिकन का ग्रेवी जो है इसे सर्व कर रही हूँ जीरा राइस के साथ और रोटी के साथ, और कचुंबर तो आपने देखा, और हमें आदत है थोड़ा सा है ना ये जो कोथमीर उसे साइड पर रखकर खाने की, तो वो आप देख सकते हैं कोथमीर भी है। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।